Hello and welcome to my YouTube channel again, that is Bio with Chipmunk. So today we'll talk about the mechanism of absorption of water. हमने ये देखा कि water absorb होता है roots में, but उसके हमने process भी देख लिए कि किस किस process से हमें water absorb होता है, transport हो रहा है, उसका mechanism क्या होता है वो पढ़ाना भी रह गया है, ठीक है? तो इस वीडियो में हम बात करेंगे आपके mechanism of water absorption, कि water कैसे absorb हो रहा है और आगे further कैसे transfer हो रहा है plant के लिए, ठीक है? ये चीज़ कि water absorb कैसे होता है, water absorb by plant as per their potential gradient. Water पानी में पानी आपका अब्सॉर्ब होता कैसे है, एक्चुअल में पानी अब्सॉर्ब होता है उसके पोटेंशियल ग्रेडियंट पे. अब पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होता है, पोटेंशियल ग्रेडियंट में आपका होता है वाटर मूव्स फ्रॉम द सॉइल. वाटर जो है वो कहाँ से मूव करेगा, वाटर मूव्स फ्रॉम द सॉइल. सॉइल से वो किस तरफ मूव करेगा, रूट्स की तरफ मूव करेगा. व्हेन द वाटर पोटेंशियल ऑफ द सॉइल इज मोर, जब आपकी सॉइल का वाटर पोटेंशियल कैसा होगा, ज़्यादा होगा एज कंपेरिजन टू द सेल सैप. ये आपकी रूट ले लिया हमने, ठीक है? रूट के अंदर क्या है, रूट के अंदर सैप प्रेजेंट है. सैप का मतलब कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन प्रेजेंट है, ठीक है? तो ये रूट अब्सॉर्ब कब करेगी, तब करेगी जब जो सॉइल जो बाहर प्रेजेंट है, यहाँ पे जो सॉइल प्रेजेंट है उसका क्या होगा, उसका जो वाटर पोटेंशियल, जब उसका वाटर पोटेंशियल मोर होगा, मोर देन दैट ऑफ प्लांट सेल. सॉइल का वाटर पोटेंशियल जब क्या होगा, ज्यादा होगा एज कंपेरिजन टू द इनर. इसके अंदर जो ये सैप प्रेजेंट है इससे ज्यादा जब बाहर के सॉइल का वाटर पोटेंशियल ज्यादा होगा तब आपकी रूट्स क्या कर पाएंगी, पानी को अब्सॉर्ब कर पाएंगी. ओके, मैंने पोटेंशियल ग्रेडियंट पढ़ाया उसमें आपका एक वर्ड आया था वाटर पोटेंशियल. मैंने बोला कि सॉइल का वाटर पोटेंशियल क्या होगा, सॉइल का वाटर पोटेंशियल जब ज़्यादा होगा तब आपका रूट्स क्या करेगी, वाटर को अब्सॉर्ब करना स्टार्ट करेगी. तो वाटर पोटेंशियल क्या होता है, ठीक है? वाटर पोटेंशियल क्या है, एनर्जी ऑफ अ सिस्टम अवेलेबल फॉर डूइंग सम वर्क एट अ कॉन्स्टेंट टेम्परेचर. एक सिस्टम की एनर्जी है, ठीक है, कॉन्स्टेंटली काम करने के लिए एक सर्टेन टेम्परेचर पर. इसको हम यूजुअली स्टेट कैसे करते हैं, इसको यूजुअली हम एनर्जी ही बोलते हैं और इसको लिखते हैं कैसे, पर मोल या फिर पर ग्राम में लिखते हैं. ओके, यूजुअली एक टेंडेंसी है पानी की उस सिस्टम को छोड़ने के लिए, ठीक है? वाटर पोटेंशियल इज अ टेंडेंसी ऑफ अ वाटर टू लीव द सिस्टम, ठीक है? ज़्यादा जितना हायर वाटर पोटेंशियल होगा उतना ज़्यादा वाटर की टेंडेंसी होगी उस सिस्टम को छोड़ने की. इम्पॉर्टेंट टर्म्स थे जो मैकेनिज्म को समझने से पहले आपको पता होने चाहिए, और भी जो कुछ टर्म्स आएंगे मैं बीच में एक्सप्लेन करती जाऊँगी. टाइप से होते हैं, फर्स्ट होता है आपका पैसिव अब्जॉर्प्शन, सेकेंड होता है आपका एक्टिव अब्जॉर्प्शन. पैसिव अब्जॉर्प्शन क्लियर, जैसे उसमें एनर्जी की यूज़ नहीं हो रहा तो वो पैसिव अब्जॉर्प्शन. एक्टिव अब्जॉर्प्शन, उसमें एनर्जी यूज़ हो रही है, दैट्स वाई इट इज कॉल्ड एक्टिव. ओके, सो अब हम इसको फर्दर एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है? पैसिव अब्जॉर्प्शन में क्या है, इन ट्रांसपायरिंग प्लांट्स वाटर अब्जॉर्प्शन टेक्स प्लेस बाय पैसिव अब्जॉर्प्शन. जब प्लांट ट्रांसपायर करता है यानी कि उसमें से क्या हो रहा है, उसमें से आपका वाटर वेपर्स निकल रही है. वाटर वेपर्स जब ऊपर से हट जाएंगे लीफ पे से किसी भी एक्सटर्नल रीजन की वजह से, चाहे वो विंड हो चाहे और कोई फैक्टर हो, तो क्या होगा, तो वापस वहाँ पे नई वाटर वेपर्स अपनी जगह ले लेंगी. तो नई वाटर वेपर्स अपनी जगह लेंगी मतलब क्या हो रहा है, जो अंदर उसमें पानी है वो लगातार यूज़ हो रहा है ना, तो यानी कि एक सक्शन क्रिएट हो रहा है और जो पानी सॉइल में है वो रूट क्या कर रही है, अब्जॉर्ब करती जा रही है. तो उसे वहाँ पर उस समय किसी तरीके की कोई एनर्जी की ज़रूरत नहीं पड़ रही, ATP वगैरह किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ रही है. तो जो ट्रांसपायरिंग प्लांट्स होते हैं है ना, उसमें क्या होता है, उसमें आपका मोस्टली पैसिव अब्जॉर्प्शन होता है, ठीक है? में जो सरफेस का काम कर, जो पैसिव अब्जॉर्प्शन में सरफेस का काम कर रहा है वो कौन कर रहा है, रूट्स. रूट्स फंक्शन एज पैसिव अब्जॉर्प्शन सरफेस. रूट्स यहाँ पे पैसिव अब्जॉर्प्शन सरफेस का काम कर रही है. इससे पहले पैसिव अब्जॉर्प्शन में हो क्या रहा है, एक्चुअल में प्रोसेस अंदर रूट्स में क्या क्या हो रहा है. टेंशन इन जाइलम वाटर. जाइलम का काम क्या होता है, जाइलम एंड फ्लोएम आपके वस्कुलर बंडल्स में आते हैं, ठीक है? तो जाइलम का काम होता है वाटर कंडक्ट करना. तो वो वाटर को क्या कर रहा है, कंडक्ट कर रहा है, लेकिन जाइलम में क्या क्रिएट हो रहा है, टेंशन. टेंशन इन जाइलम वाटर क्रिएटेड. जो जाइलम वाटर है उसमें टेंशन क्रिएट हो रही है. कैसे, किसी भी चीज़ में जब टेंशन क्रिएट होती है तो वो क्या करने लगती है, और ज़्यादा काम करने लगती है, और ज़्यादा हाइपर हो जाती है, एक्टिव हो जाती है ना.
तो टेंशन इन जाइलम वाटर क्रिएटेड, वो कैसे क्रिएट हो रही है? बाय ट्रांसपिरेशन। जैसे जैसे टेंशन होगा वैसे वैसे क्या होगा, वैसे वैसे पानी की जरूरत होगी, और जैसे पानी की जरूरत होगी तो जाइलम में क्या होगा, बहुत ज्यादा टेंशन क्रिएट हो जाएगा, तो वो ज्यादा से ज्यादा पानी अब्जॉर्ब करके कंडक्ट करेगा, ठीक है। एंड इवेपोरेशन, और कुछ इवेपोरेशन से हो जाएगा, विच हेल्प्स इन पैसिव अब्जॉर्प्शन, जो कि हेल्प करता है किस में, आपके पैसिव अब्जॉर्प्शन में, ठीक है। अब जो ये टेंशन है, ये जो जाइलम में टेंशन क्रिएट हुई है, वो टेंशन कहाँ ट्रांसफर हो जाती है आपकी, वो टेंशन आपकी रूट्स में ट्रांसफर हो जाती है, और वो रूट्स किसको सिग्नल भेज देता है, आपके रूट हेड्स को सिग्नल भेज देता है कि जल्दी जल्दी पानी अब्जॉर्ब करो, और प्लांट को और पानी की ज़रूरत है, बिकॉज ट्रांसपिरेशन हो रहा है, इवेपोरेशन हो रहा है, तो प्लांट को भी तो अपने आप को सर्वाइव करने के लिए, बचाने के लिए पानी एक्यूरेट अमाउंट में चाहिए होगा ना, तो इसी वजह से उसमें एक टेंशन क्रिएट हो जाती है, जिसकी वजह से पानी क्या करने लगता है, पानी अब्सॉर्ब ज़्यादा होने लगता है विद द हेल्प ऑफ रूट हेयर्स, और जो टेंशन किस में क्रिएट हुई है, जाइलम में क्रिएट हुई है, उसकी वजह से, ठीक है। तो आपके पैसिव अब्सॉर्प्शन में ये प्रोसेस होता है। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल बायो विद चिपमंक।